पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। डेली बेस पर भी है सारा कि उन्हें तनखा नहीं मिला दी है, कुछ पैसे नहीं मिले बेचारे। हाँ जी, पी भी साल हो उन्हें लोगों लगे थे तो पनमेंट बंदा जो कल आई है तंग आई है, इसलिए ऐसा नहीं हो पनमेंट बंदे की अड़ताल में शामिल होने पवे। अस लोग तंग सवेरे 5 बजे आने फिर दोबारा आने फिर बस जाने दो दो तीन तीन बार ध्याड़ी सू बाल शिफ्ट करने बाल आपको दो दो मील किलोमीटर बाल है बाहर जाने पौधा सूँ बाल शिफ्ट करने वास्तव। इस वास्ते अस सारे अगर थोड़ी बेनती करने भी सारा जो काम डेली बेदा भी होना चाहिए पक्के होने चाहिए, उन्हें पिछला वेतन मिलना चाहिए, बाकी अपॉइंटमेंट के बाद सोचा अफसरशाही जी है वो अपने इन्हें किया भी उदो 18 घंटे ड्यूटी लेंगे और एक बंदे ही कोई 8-8 4-4 स्टेशन दते दे जा चार स्टेशन चलाई आ 32-32 उन्हें बाल दते वे जा बाल भी परेड करने अगर कुछ जोड़ निकली तो वह भी उन्हें लाने ये एक जो तानाशाही सिस्टम जो अफसरशाही ने अपना है क्योंकि 1000 बंदा इस डिवीजन के होना है जोड़ा कि स्ट्राइक उपर है 1000 बंदा स्ट्राइक उपर होगा तो आपू हिसाब लाई सकते हो तो फिर ये सिस्टम कियाँ चला रहा ये बेचारे परमानेंट इंप्लाई ने कदू तो आखा देना अं यही गल आखना चाहते हैं गौरमेंट की भी जरा डेली वेजर है उसकी डिमांड जेनुअल है उसी जरा अगर रेगूलर करना तो उनका हक है सर 64 साल के बाद परमानेंट होता उन्हें परमानेंट किया जा अगर वह अपना बकाया मंगा देना तो गौरमेंट ही क्या नहीं बकाया देना चाहिए क्योंकि पिछले 54 महीने का उन्हें तनखा नहीं थी साल च 5 बारी उन्हें तनखा थी हूँ उन्हें 2 बारी तनखा दे जी है यह सिस्टम कियाँ चलेगा आने वाले टाइम च अगर उन्हें इं नहीं किया है जो परमानेंट अप्लाई है।